हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दिया है कड़ा झटका। जो बाइडेन की चुनौती बढ़ाकर रख दिया। दोस्तों बताएंगे किस प्रकार से पाकिस्तान अब अमेरिका के खिलाफ कदम उठाने जा रहा है। दोस्तों कहां वो अमेरिका को देने वाला है रुकावट, बताएंगे दोस्तों क्या है खबर। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर चीन के खिलाफ जंगी तैयारी में है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, खाड़ी देशों से हटाए इन मिसाइल सिस्टमों को। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर भारत अमेरिका जैव फार्मा शिखर सम्मेलन 22 जून को किया जाएगा। दोस्तों यूएसए इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स करेगा इसका बड़ा आयोजन, बताएंगे इससे भी जुड़ी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर ईरान में कट्टरपंथी चीफ जस्टिस रईसी जीते राष्ट्रपति चुनाव, लेकिन पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका ने उठा लिया है ईरान के खिलाफ ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये भी। साथ ही उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर अलग्जा मस्जिद में फिर भड़क उठा है तनाव। जी हाँ दोस्तों, क्या है खबर बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर जम्मू कश्मीर की राजनीति पार्टियों के साथ 24 दिन को प्रधानमंत्री की होने वाली है बैठक। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे अब्दुल्ला समेत कितने नेताओं को न्योता दिया गया है। दोस्तों साथ ही अगली खबर में आपको बताएंगे जहां पर श्रीलंका को लेकर भारतीय नौसेना ने बड़ी बात कह दी है। दोस्तों और जंग का हर एक मसौदे पर पैनी नजर बनाए हुए इस तरह की बात कही गई है। दरअसल मुद्दा क्या है वो भी बताएंगे। साथ ही चुनाव से पहले ही मुलायम यादव के घर में पड़ गई दरार। जी हाँ दोस्तों, अब भाजपा का दामन थामा गया है दोस्तों इस सपा नेता के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कौन है वो साथी। हर तरह की खबरें आज आपको बताने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी, हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े वरदान के रूप में है। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया कड़ा झटका। जो बाइडेन की बड़ी चुनौती, बता दे विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान से निपटने के मसले पर पाकिस्तान ने अमेरिकी प्रयासों को झटका दिया है। दोस्तों नाटो सहित विदेशी सैनिकों की 11 सितंबर 2021 तक वापसी के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान पर निगरानी रखने के लिए पाकिस्तान से एयरबेस की मांग कर रहा है। दोस्तों लेकिन पाकिस्तान ने दो टुक कहा है कि वो अमेरिका को अफगानिस्तान में किसी भी कार्यवाही के लिए अपने सैन्य अड्डे या अपने क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री इमरान खान ने दो टुक कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए अमेरिका को अपना कोई एयरबेस अथवा अपने क्षेत्र के इस्तेमाल की कतई भी इजाजत नहीं देगा। अमेरिका को एयरबेस मुहैया कराने के सवाल को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने HBO पर एक्सियोस के साथ इंटरव्यू में कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम किसी भी ठिकाने पाकिस्तानी क्षेत्र से अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार की कार्यवाही की अनुमति देने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस कार्यक्रम के तहत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सुंदर पिचाई, एलन मस्क, मेरा बेरी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कमला हैरिस जैसे लोगों के साथ इंटरव्यू प्रसारित पहले ही हो चुके हैं दोस्तों। और अब इमरान खान की तरफ से ये बड़ी बात, और जो बाइडेन की मुश्किल बढ़ने वाली है इस खबर के बाद। ऐसे में अब अमेरिका बिना पाकिस्तान के रास्ते को यूज किए अफगानिस्तान में उतारने की कोशिश करना पड़ेगा। दोस्तों क्या लगता है आपको, और इमरान खान पहले हामी भरने वाले और अब ना भर करके अमेरिका को जताना चाह रहे हैं कि हम भी दल बदलू देश। ऐसे में दोस्तों अब देखना यही होगा कि अमेरिका का क्या बयान आता है दोस्तों इस इमरान खान के बयान के बाद में। इससे जुड़ी जो भी लेटेस्ट खबर आएगी, अमेरिका का रिपोर्टिंग जो भी आएगा, सबसे पहले इस खबर पर मिलेगी दोस्तों इस चैनल पर। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन के खिलाफ जंगी तैयारी में अमेरिका खाड़ी देशों से हटाए पैट्रियट थर्ड मिसाइल सिस्टम। जी हां दोस्तों, अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी मिसाइल विरोधी प्रणालियों की संख्या को कम कर रहा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका चीन और रूस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी रक्षा विभाग कुवैत, इराक, सऊदी अरब और जॉर्डन से लगभग 8 पैट्रियट एंटी
एलईडी मिसाइल बैटरी वापस ले रहा है दोस्तों, साथ ही एक टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम को भी हटा रहा है। आपको बता दें इसके अलावा पश्चिम एशिया में क्षेत्र में तैनात जेट फाइटर स्क्वाड्रॉन को भी कम कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच 2 जून को फोन पर हुई बातचीत के बाद अमेरिका ये कार्यवाही कर रहा है। बता दें कि चीन और रूस की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका ने जंगी तैयारी तेज कर दी। अमेरिका जहां खाड़ी देशों सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन से मिसाइल सिस्टम हटा रहा है, तो वहीं अमेरिका सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले से निपटने के लिए तैनात किए गए बेहद शक्तिशाली थार सिस्टम को भी वापस ले जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, इस इलाके के लिए तैनात फाइटर जेट की संख्या को भी कम किया जा रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जो बाइडेन प्रशासन के रुख में ये बदलाव खाड़ी देशों में तनाव के कम होने और सऊदी अरब, ईरान में बातचीत शुरू होने और अमेरिका के रणनीतिक अनिवार्यता में बदलाव के बाद लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका के इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ईरान में कट्टरपंथी चीफ जस्टिस रईसी जीते राष्ट्रपति चुनाव, पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका ने लगा दिया बैन। जी हाँ दोस्तों, ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के कट्टर समर्थक एवं कट्टरपंथी चीफ जस्टिस इब्राहिम रईसी ने शनिवार को बड़े अंतर से जीत हासिल की है। इस चुनाव में देश के इतिहास में इस बार सबसे कम मतदान हुआ है दोस्तों। प्रारंभिक परिणाम के अनुसार रईसी ने 1,78,00,000 मत हासिल किए हैं। चुनावी दौड़ में एकमात्र उदारवादी उम्मीदवार अब्दुल नासिर हिम्माती बहुत पीछे रह गए। बहरहाल खामेनेई ने रईसी के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी को अयोग्य करार दे दिया था, जिसके बाद न्यायपालिका प्रमुख ने यह बड़ी जीत हासिल की है दोस्तों। रईसी की जीत की आधिकारिक घोषणा के बाद वो पहले ईरानी राष्ट्रपति होंगे जिन पर पदभार संभालने से पहले ही अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने एकदम से इन पर प्रतिबंध क्यों लगाया है दोस्तों, इनका इमेज किस प्रकार का है। दरअसल उन पर यह प्रतिबंध 1988 में राजनीतिक कैदियों की सामूहिक हत्या के लिए तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलने वाली ईरानी न्यायपालिका के मुखिया के तौर पर लगाया गया था दोस्तों। रईसी की उम्मीदवारी के कारण ईरान में मतदाता मतदान के प्रति उदासीन नजर आए और पूर्व कट्टरपंथी राष्ट्रपति महमूद अहमदिनेजाद सहित कई लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया था। आपको बता दें, कहा यह जाता है कि इन्होंने एक साथ 3,000 से भी ज्यादा लोगों को गोलियों से भुनवा दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका ने इन पर बैन लगाकर क्या सही किया है दोस्तों, क्या लगता है आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अल अक्सा मस्जिद में फिर भड़का तनाव, पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान के बाद इजरायली सुरक्षा बल और फिलिस्तीन समर्थकों के बीच हुई झड़प। जी हाँ दोस्तों, मिडल ईस्ट में इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चली कुछ दिन की शांति पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को पूर्वी यरूशलम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली बलों की कार्रवाई में कम से कम 3 फिलिस्तीनी घायल हो गए। बता दें कि शुक्रवार की नमाज के बाद फिलिस्तीन समर्थकों ने एक रैली का आह्वान किया था, जो कि मंगलवार को इजरायलियों की तरफ से आयोजित हुई एक अन्य रैली के जवाब में बुलाई गई थी। गौरतलब है कि इजरायलियों की यह रैली पहले 10 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने तनाव की आशंका को देखते हुए इसकी इजाजत नहीं दी थी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत अमेरिका जैव फार्मा शिखर सम्मेलन 22 जून को यूएस इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स करेगा इसका बड़ा आयोजन। बता दे, भारत और अमेरिका के शीर्ष सरकारी अधिकारी, उद्योग की हस्तियां और शिक्षाविद अगले सप्ताह होने वाले वार्षिक भारत अमेरिका जैव फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे दोस्तों। सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। सम्मेलन की नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत, फाइजर के सीईओ डॉक्टर अल्बर्टा बाउरला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के NIH के निदेशक डॉक्टर फ्रांसिस कोलिंस तथा खाद्य एवं दवा प्रशासन FDF की कार्यवाहक आयुक्त डॉक्टर जेनेट वुडकॉक संबोधित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वेलकम अमेरिका जरूर कहिएगा कमेंट सेक्शन में। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर कोरोना से जंग में इजराइल की मदद लेने से फिलिस्तीन ने कर दिया इनकार, वैक्सीन के जल्द खराब होने का दिया है हवाला। जी हाँ दोस्तों, फिलिस्तीन के साथ चल रहे विवाद और
गाजा पट्टी में सक्रिय आतंकियों द्वारा सीमावर्ती शहरों को निशाना बनाए जाने के बावजूद इसराइल ने दरियादिली दिखाते हुए फिलिस्तीन को कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया था ताकि महामारी से जंग में उसकी मदद हो सके, लेकिन फिलिस्तीन ने इस मदद को स्वीकारने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, फिलिस्तीन की सरकार ने टीकों के जल्द खराब होने यानी एक्सपायर होने का हवाला देते हुए उन्हें लेने से मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसराइल ने मानवता दिखाते हुए शुक्रवार को फिलिस्तीन को कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज देने की घोषणा की थी। ये वैक्सीन जल्द ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधिकारियों को सौंपी जाने वाली थी, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं फिलिस्तीन इसराइल से इसलिए नहीं ले पा रहा है दोस्तों, और इसलिए मना कर दिया है क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो ये युद्ध वाला मामला है दोस्तों, वो काफी विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, और ऐसे में फिलिस्तीन चाहता है अगर उसने मदद लिया तो कहीं ना कहीं दूसरा देश ये कहेगा कि इसराइल ने मदद की और इसराइल से ही युद्ध हो रहा है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या यही कारण हो सकता है, क्या लगता है आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर हाथ मिले लेकिन अमेरिका यूरोप में पुरानी दोस्ती बहाल होना मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन का आकलन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की हाल की यूरोप यात्रा अपने मकसद में कामयाब रही, इसके बावजूद अमेरिका के जो दीर्घकालिक लक्ष्य उनके मुताबिक यूरोपीय सहयोगी देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने में अभी और वक्त लगेगा। क्या लगता है आपको दोस्तों कमेंट करके बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के साथ 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी की होने वाली है बैठक, जिसमें अब्दुल्ला महबूबा समेत 14 और नेताओं को दिया गया है न्योता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 जून को जम्मू और कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से जम्मू और कश्मीर के सभी नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के सभी राजनेताओं को फोन पर निमंत्रण मिला है। केंद्रीय गृह सचिव ने 24 जून को प्रधानमंत्री आवास पर बैठक में भाग लेने के लिए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित जम्मू कश्मीर के नेताओं से संपर्क किया है। जिन 14 नेताओं को बुलाया गया है उन्हें कोरोना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट देने को कहा गया है। दोस्तों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को भी 24 जून को भी दिल्ली में दोपहर 3 बजे होने वाली सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। छोटी पार्टियों के अलावा मुख्य धारा की पार्टियों के अध्यक्षों और जम्मू कश्मीर के सभी पूर्व CM को भी आमंत्रित किया गया है। कम्युनिस्ट विधायक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी को भी बैठक के संबंध में भारत सरकार के गृह सचिव का फोन गया है। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको दोस्तों, किस मुद्दे को लेकर होने वाली है मीटिंग, कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर में चुनाव को लेकर तो नहीं, या फिर पाकिस्तान को लेकर तो नहीं, बताइएगा जरूर। क्या लगता है आपको, भारत की जनता को क्या लगता है, देखते हैं हम लोग भी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर कुलभूषण जाधव मामले में ICJ के फैसले को गलत ढंग से पेश कर रहा है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में भारत पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ICJ के फैसले को गलत ढंग से पेश करने का शनिवार को आरोप लगाया है। साथ ही जोर देते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सभी दायित्वों को पूरा करने को तैयार है। गौरतलब है कि भारत ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान से उस विधेयक में मौजूद खामियों को दूर करने को कहा था जो जाधव के मामले की समीक्षा के लिए लाया गया है। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो श्रीलंका में चीन के दखल पर भारत की पैनी नजर, वाइस एडमिरल बोले हम पूरी तरह हैं तैयार। बता दें श्रीलंका में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों पर भारत ने चिंता जताई है। कोलंबो सरकार की ओर से चीन को नए पोर्ट प्रोजेक्ट्स मिलने पर भारतीय नौसेना के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि संबंधित क्षेत्र में भारतीय हितों के लिए खतरा हो सकता है और इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने कहा हिंद महासागर क्षेत्र में की हर गतिविधि पर पूरी नजर रखी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ये। ऐसे में कितने भाई और बहनों को अपने भारतीय नौसेनाओं पर 100% से ज्यादा का भरोसा है, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में दुर्लभ प्रस्ताव पारित, जिसमें भारत रहा अनुपस्थित। बता दें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक दुर्लभ कदम उठाते हुए म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ व्यापक वैश्विक विरोध प्रकट करते हुए एक वास्तव प्रस्ताव पारित करके देश में सैन्य तख्ता पलट की निंदा की है। दोस्तों साथ ही म्यांमार के खिलाफ
खिलाफ शस्त्र प्रतिबंध का आह्वान किया है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को बहाल करने की मांग की है। हालांकि भारत समेत 35 देशों ने इन प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया है। भारत का कहना है कि मसौदा प्रस्ताव उसके विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर वैक्सीन पर भी भारी पड़ा कोरोना डेल्टा का क्या वेरिएंट, सबसे पहले भारत में मिला और अब यूनाइटेड किंगडम में ढा रहा है कहर। जी हाँ दोस्तों, कोविड 19 के बेहद तेजी से फैलने वाले डेल्टा स्वरूप यानी कोरोना डेल्टा वेरिएंट के चलते ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर जारी है। सरकार को टीकाकरण कार्यक्रम पर सलाह देने वाले एक विशेषज्ञ ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, ज्वाइंट कमेटी ऑफ इम्यूनाइजेशन को सलाह देने वाले प्रोफेसर एडम फिन ने कहा है कि देश में अब टीकों और कोविड 19 के डेल्टा वेरिएंट के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। आपको बता दें, डेल्टा स्वरूप की पहचान सबसे पहले भारत में की गई थी दोस्तों, और अब ये वेरिएंट पूरी तरह से म्यूटेट भी हो चुका है। भारत सहित कई देशों में डेल्टा प्लस मिलने से चिंता बढ़ रही है। ऐसे में दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़ के हमारी टीम से विनम्र निवेदन है, कृपया करके सावधानी से रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो AK शर्मा की बीजेपी संगठन में एंट्री क्या खत्म हो गई यूपी में, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं। बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेहद करीबी माने जाने वाले नौकरशाह से नेता बने अरविंद कुमार शर्मा को बीजेपी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। MLC बनाए जाने के बाद से AK शर्मा को सूबे की योगी सरकार में मंत्री बनाकर अहम भूमिका दिए जाने की चर्चाएं तेज हो रही है दोस्तों, लेकिन उन्हें संगठन में शामिल किया गया है। इसी के साथ क्या यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार की तमाम संभावनाएं खत्म हो गई हैं? उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है दोस्तों। इसी के तहत पार्टी ने MLC AK शर्मा को यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अर्चना मिश्रा को और अमित वाल्मीकि पार्टी का प्रदेश मंत्री बनाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी के तमाम मोर्चों का भी गठन कर दिया है। क्या लगता है दोस्तों आपको, और AK शर्मा की बीजेपी संगठन में एंट्री को लेकर उनको कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई AK शर्मा, जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर चुनाव से पहले ही मुलायम यादव के घर में पड़ गई दरार, सपा सुप्रीमो की पूर्व वधू ने थाम लिया भाजपा का दामन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो यानी मुलायम सिंह यादव की पूर्व वधू मोनिका यादव ने भाजपा पर भरोसा जताया है। आपको बता दें कि मोनिका सपा नेता धर्मेंद्र यादव की पूर्व पत्नी है और शादी के कुछ वक्त बाद ही मोनिका के संबंध टूट गए थे। जानकारी के अनुसार मोनिका ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भाजपा से समर्थन लिया है। ऐसे में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? कौन बनने वाला है फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश में किसकी पार्टी जीतने वाली है? कमेंट में राय अवश्य दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता के क्या विचार है दोस्तों इस पर। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर लोनी असॉल्ट केस से जुड़ी खबर, पुलिस के हत्थे चढ़ा उम्मीद पहलवान, दंगा भड़काने का है इस पर आरोप। बता दे, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए दाढ़ी कांड को मुद्दा बनाकर दंगा फैलाने की कोशिश के आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता उम्मीद पहलवान को पुलिस ने दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। आरोपी कई दिनों से फरार था। गाजियाबाद पुलिस उम्मीद पहलवान को लोनी पुलिस स्टेशन ले जाएगी। थाने ले जाने से पहले उम्मीद पहलवान का मेडिकल करवाया जाएगा। उम्मीद पहलवान की लोकेशन लगातार गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर में ट्रेस हो रही थी दोस्तों। आखिरकार दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दो, उम्मीद पहलवान एक शातिर अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया था और सिम निकाल दिया था, लेकिन वो अपने लोगों से इंटरनेट कॉलिंग के जरिए बात कर ही रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस समाजवादी पार्टी का नेता उम्मीद पहलवान की गिरफ्तारी को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? जिस प्रकार से दंगे इन्होंने भड़काए हैं, क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो खुद क्रिमिनल होकर के, खुद इतने बड़े दंगाई होकर के लोगों की सेवा करने निकल जाते हैं दोस्तों? तो ऐसे में कमेंट करना तो बनता है, जरूर लिखिएगा। अगली खबर की बात करें तो जितिन प्रसाद ने खुद को बताया बीजेपी का सच्चा कार्यकर्ता, बोले मेरा काम बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले जितिन प्रसाद अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में है। बीजेपी में शामिल हो
होते ही वो पीएम नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं और वे सभी को भरोसा दिला रहे हैं कि भारत का भविष्य मोदी योगी के नेतृत्व में सुधरेगा। अब उनका सक्रिय अंदाज यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी पसंद आया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो WTC फाइनल मैच से जुड़ी खबर, जहाँ गिल के हेलमेट पर लगी जेमिसन की खतरनाक बाउंसर, दौड़ते हुए आए सिराज। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ये भी, साथ ही बता दे जहाँ पर अगली खबर है और अंतिम खबर है, मौसम विभाग ने दिल्ली बिहार समेत इन राज्यों के लिए जारी कर दिया है अलर्ट, तेजी से बढ़ रहा है मॉनसून। जी हाँ दोस्तों, मॉनसून शुक्रवार को गुजरात से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पहुंच गया है। शनिवार को इसके दक्षिण राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत पश्चिमी यूपी में आगे बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती परिसंचरण के अगले हफ्ते तक बिहार से पूर्वी यूपी तक रहने की संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ट्वीट को देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।